पुलिस ने मुठभेड़ के बाद अंतर जनपदीय बाइक चोर गैंग के 3 सदस्यों को लूटी गई बाइक व अवैध असलों सहित गिरफ्तार किया है। दरअसल 4 दिन पहले एक व्यापारी की तमंचे के नोक पर बाइक व मोबाइल लूट लिए गए थे, जिस पर एसपी ने सीओ व बीसलपुर एएसपी के नेतृत्व में एक पुलिस टीम बनाकर गैंग को पकड़ने के लिए लगाया था, जिसमें आज सफलता मिली और बाइक चोर गैंग के सदस्यों को पकड़कर जेल भेज दिया गया। बीती 27 जनवरी 2018 को कोतवाली बीसलपुर क्षेत्र के गांव रडेता निवासी मोहम्मद सतार अपनी दुकान से घर जा रहे थे कि भंडारिया मोड़ पर रसिया खापुर मार्ग पर ईंट भट्टे के पास उनको 3 बाइक सवारों ने रोक लिया और तमंचे के बल पर सतार के 2 मोबाइल व बाइक लूट कर फरार हो गए। पुलिस अधीक्षक कलानिधि नैथानी ने बाइक लूट की घटना को गंभीरता से लेते हुए मामले का खुलासा करने के लिए एएसपी रोहित मिश्रा व सीओ बीसलपुर प्रवीण मलिक के नेतृत्व में एक टीम बनाकर उन्हें लगाया। गठित टीम को सूचना मिली कि गैंग आज फिर से लूट की घटना को अंजाम देने की फिराक में है। गठित टीम ने गैंग को पकड़ने के लिए योजना बनाई और उन्हें धर दबोच लिया। जी, कुछ गैंग पकड़ा गया क्या? ये एक लूट की घटना हुई थी थाना बीसलपुर में 27 जनवरी को रात लगभग 9 बजे। इसमें 3 अभियुक्त जो हैं उनको आज पुलिस ने मुठभेड़ के साथ गिरफ्तार कर लिया है। इनके पास से लूटी हुई मोटरसाइकिल और लूटे हुए मोबाइल बरामद कर लिए गए हैं। इनका आपराधिक इतिहास है, इनको जेल भेजा जा रहा है। भविष्य में इन पर गैंगस्टर की भी कार्रवाई की जाएगी।